एक हफ्ते के सरदर्द के बाद, यानी कि बागी मूवी 3 देखने के बाद हमको, मतलब दिल्ली में तो नहीं देखी मैंने, दिल्ली के बाहर जाके देखनी पड़ी मुझे ये अंग्रेजी मीडियम। इरफान खान की मूवी है, पूरे 2 साल बाद, जी हाँ पूरे 2 साल बाद वो दोबारा से कम बैक कर रहे हैं इस मूवी के साथ। और 2 साल पहले मैंने उनकी देखी थी ब्लैकमेल, और जो लास्ट मूवी थी उसका नाम था कारमा। दोनों ही बहुत जबरदस्त मूवी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। और अंग्रेजी मीडियम की अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजी मीडियम कैसी है, तो भैया ये बागी 3 देखने के बाद जैसे कोरोना वायरस की तरह ये बागी 3 जो थी ना, उस पे अंग्रेजी मीडियम ने दवाई का काम किया है मेरे लिए तो, कम से कम हुआ क्या हाल है। बट मैं तो उस मूवी को देखने के बाद बॉलीवुड से, यार ऐसी ऐसी मूवीज बना रहे हैं यार, मतलब कॉमन सेंस तो रखो यार, मतलब बंदे को हवा में उड़ाते रहोगे या मतलब कुछ स्टोरी तो बनाओ, कुछ लगे बंदा अगर 200-250 रुपए खर्च करके, अगर मैं मूवी थिएटर में बैठता हूँ तो मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार कुछ ना कुछ। ये समझ लीजिए मेरे को पूरे हफ्ते उस मूवी का नाम अगर कोई ले तो मेरा सरदर्द बढ़ जाता था। बट इस मूवी को देखा जब मैंने अंग्रेजी मीडियम को, तो मेरा सरदर्द थोड़ा सा कम हुआ और मेरा बॉलीवुड पे दोबारा से विश्वास कायम हो गया है। इरफान खान जो है, मैंने जैसे बताया आपको, 2 साल बाद इस मूवी को साथ लेकर उन्होंने कम बैक किया है, तो मैं ये कहूंगा ये मूवी मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब ऑसम यार। थोड़ा सा आपको लग सकता है मूवी देखते वक्त की थोड़ी सी कमी होगी, बट उसकी भी हम आगे बात कर लेंगे क्या कमी है क्या नहीं है। बट इरफान खान की अगर आप बात करते हैं, उनकी एक्टिंग की बात करते हैं, मतलब कैंसर जैसी बीमारी होने के बावजूद भी उनका जो डेडिकेशन है अपने काम, सलूट करता हूँ मैं ऐसे बंदे को कि अपने डेडिकेशन उन्होंने जो इस मूवी में दिखाया, आप शुरू से लास्ट तक आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बंदा क्या कैंसर से पीड़ित हो सकता है, कैंसर हो सकता है आदमी को। अभी भी उनको कैंसर है, अभी भी वो जूझ रहे हैं, बट मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी ही मतलब अच्छी अच्छी मूवीज दें, ऐसी अच्छी एक्टिंग दें। तो चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजी मीडियम का रिव्यू। और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है, स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ कि मूवी को पहले, मेरा नाम है विकास चौहान और आप देख रहे हैं स्पिनिंग लट्टू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और अगर आप हमारी और वीडियोस चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं मूवी की कहानी की। मूवी की कहानी में क्या है, मूवी की कहानी बेस्ड है राजस्थान पे। चंपक बंसल जो है एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिसका नाम है घसीटे राम मिष्ठान भंडार, और बहुत सिंपल सीधा सा जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं, कोई बहुत बड़े सपने नहीं हैं उनके। और इसी के अपोजिट उनकी बेटी है तारिका बंसल, जो कि ट्राई फोर्ड यूनिवर्सिटी जाके अपने ग्रेजुएशन पूरी करना चाहती है, वो फ्रीडम चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। अब ट्राइफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का जो सपना होता है उसका लगभग पूरा होने वाला होता है, चंपक की गलती की वजह से उसके हाथ से वो मौका निकल जाता है। चंपक की बेटी काफ़ी मायूस हो जाती है और चंपक को भी ये लगता है कि ये गलती करके उसने भी उसके सपनों को लगभग लगभग तोड़ दिया है। अब क्या होता है, अब चंपक ये सोचता है कि अब वो कैसे भी करके ट्राइफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी जो लंदन की ट्राइफोर्ड यूनिवर्सिटी है में उसका दाखिला ज़रूर कराएगा, चाहे उसको कितने भी पापड़ बेलने पड़े, और वो करता भी है ऐसा। और मूवी इसी तरह आगे बढ़ती है। अब मूवी की कहानी में और आगे गया है ये तो आप मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा कि उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और एक बाप अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो आप मूवी देखिएगा, आपको उसी में पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं अब कास्टिंग की। सबसे पहले बात करूंगा इरफान खान की, जो एक्टिंग की हुई है वो इस मूवी की जान है। अगर मूवी में कहीं अगर आपको लग रहा है कि मूवी के अंदर कुछ कमी है, तो उनकी एक्टिंग सब कवर कर देती है। और मुझे लगता है कि मतलब माइंड ब्लोइंग यार, वो इतने बढ़िया एक्टर हैं, इतने लेजेंडरी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैंने जब मूवी देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब यार ये बंदा बीमार है, उसके बावजूद भी बताओ इतनी बढ़िया एक्टिंग है। था मैंने यही चीज़ मैं नोटिस की और मुझे लगा कि पेशन है किसी काम को लेकर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो इस मूवी में जो इन्होंने एक्टिंग की है वो करके उन्होंने ये साबित कर, अगर आप मुझे कहेंगे कि जज करो तो भैया मैं जज नहीं करूँगा, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। जबरदस्त है, बहुत ही ऑसम एक्टर है, ये बात आज उन्होंने फिर से साबित कर दिया इस मूवी में, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा आपको सेकंड लीड में, बिल्कुल सही, मैं सेकंड लीड इसलिए बोल रहा हूँ कि जो जो दूसरा मेन रोल अगर आप बोलें इस मूवी के अंदर, वो है दीपक डोबरियाल जी का, और वो भी बहुत ही ऑसम एक्टिंग की है यार उन्होंने। मतलब
कहीं कहीं जगह तो उनकी मतलब जो डायलॉग्स हैं कि मतलब आप मतलब हंसे बिना रह ही नहीं सकते, इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं दोनों की। अगर आप जुगलबंदी देखेंगे ना तो मतलब आपको ये लगेगा कि अगर इसके अलावा किसी और को कास्ट कर लेते तो मुझे लगता है कि मूवी के अंदर वो इससे बढ़िया मतलब एक्टिंग नहीं कर सकते थे अगर कुछ और कास्ट करते। बट होमी अडजानिया जी को मैं बोलूंगा कि बहुत बेस्ट चॉइस, बहुत अच्छा रोल किया है, और जो उनकी जुगलबंदी है भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अब इसके अलावा कौन है, इसके अलावा आपको राधिका मदान है जो कि तारिका यानी कि चंपक की बेटी का रोल जो है प्ले कर रही है, और राधिका मदान ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। पहले भी मैं इनकी दो मूवीज देख चुका हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता और पटाखा, बहुत बढ़िया काम किया था, इसमें भी बहुत बढ़िया काम किया। और कौन है इसके अलावा, एक छोटा मतलब छोटा रोल ही कह सकते हैं करीना कपूर जैसी बड़ी एक्ट्रेस एक्ट्रेस के लिए, अगर मिला या जितनी भी लेंथ मिली है मूवी के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कैमियो रोल्स हैं, केमी रोल्स के अंदर आपको नजर आते हैं कि कुशारदा नजर आते हैं, रणवीर शोरी है, पंकज त्रिपाठी है, और डिंपल कबाड़िया हैं, तो काफी सारे और भी रोल्स हैं, और सबने मैं कहता हूँ कि पूरी मूवी के अंदर अगर आप ये पूछते हैं कि कास्ट ने कैसा काम किया है तो मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया है। और होमी अडजानिया को मैं ये जरूर बोलूंगा कि कास्टिंग बहुत बढ़िया की है उनमें मूवी के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो आप बात करते हैं कि मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो भैया मैं मना नहीं करूंगा, मूवी तो आपको देखनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ फैमिली के साथ देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है, और फैमिली मूवी भी कह सकते हैं आप इसको, तो मूवी को एक बार देखना बनता है।